For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. बीते दिनों जो कुछ भी हुआ है कलर्स के शोइश्क में मरजामा में वो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। जहाँ रोहिया पूरी तरह से बदल चुकी है और वो अपना बदला पूरा करने के लिए आई है दीप और तारा से। वहीं अभी तक जो कुछ भी आपने शो में देखा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जहाँ मनाली में चल रहा है खूब सारा ड्रामा और इसी बीच आरोही को दीप बता देता है कि उसने उसकी भाभी निकू को खाई से नीचे फेंक दिया था और उसकी मौत हो चुकी है। जहाँ ये जानते ही उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद दीप और विराट आरोही के लेकर ही बात कर रहे होते हैं कि फिल्म में विराट को आरोही पर शक होने लग जाता है। वहीं अगली सुबह आरोही कहीं मिलने नहीं होती तो दीप और विराट काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और साथ ही हुआ ये कि आरोही खाई के पास जाकर दीप से बदला लेने का मन बना रही होती है। इसके बाद विराट बोलता है दीप के साथ एक गेम खेलने को जिसमें ये मालूम पड़ जाएगा कि तारा कितनी बदल गई है। जिसके बाद वो दोनों तारा से सवाल पूछते हैं और आरोही याद करती है दीप के साथ उन पलों को जब दीप ने उसे फंसाया था अपने जाल में। वहीं अब आपको आगे की जानकारी देते तो जहाँ खड़ा होगा दीप खाई के पास तो आरोही जाएगी पीछे से और वो उसे बोलेगा कि अगर वो उसको मारना चाहती है तो मार डाले। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज सर्वे की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. इतने दिनों जो कुछ भी हुआ कलर्स के शोइश्क में मरजामा में बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। जहां रोहिया पूरी तरह से बदल चुकी है और वो अपना बदला लेने के लिए दीप से आ चुकी है वापस। जहां ये चल रहा है शो में अभी तक की मनाली में जाकर खूब सारा ड्रामा दिखाया गया। जहाँ दीप बताता है कि उसने आरोही की भाभी और निकू को खाई से फेंक दिया था और वो मर चुके हैं। इसके बाद ये सुनते ही आरोही के होश उड़ जाते हैं। वहीं दीप और विराट आरोही को लेकर बात कर रहे होते हैं। जहां विराट बोलता है कि वो तारा की पहचान को लेकर शक करने लग गया है। वहीं अगली सुबह आरोही कहीं मिल नहीं रही होती तो दीप और विराट काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और साथ ही ये आरोही खाई के पास जाकर दीप से बदला लेने का मन बना रही होती है। जिसके बाद विराट बोलता है कि दीप के साथ एक गेम खेलने को जिसमें ये मालूम पड़ जाएगा कि तारा कितनी बदल गई है अब। जिसके बाद वो दोनों तारा से सवाल पूछते हैं और आरोही याद करती है कि दीप ने उसे कैसे अपने जाल में फंसाया था। इसके बाद आप शो में आगे ये देखने वाले हैं कि एक बार फिर से मनाली में अतीत दोहराया जाएगा जहां फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे दीप और आरोही और शुरुआत होगी नई लव स्टोरी की। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. कलर्स टीवी पर हर दिन अपनी चमक से ब्रांड टैग को रोशन कर देने वाला शो इश्क में मरजामा इन दिनों अपने टैग को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। वहीं बात करें हाल फिलहाल के एपिसोड की तो उसमें जो कुछ भी हुआ वो सबसे आपसे छुपा नहीं है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ। आपने देखा कि सुबह दीप आरोही को बोलता है कि वो अब मनाली जाएंगे। उसके बाद दोनों मनाली आ जाते हैं जहाँ विराट से सामना होता है आरोही का। उसके बाद उसके सामने ये भी सचा जाता है कि इंस्पेक्टर लक्ष्य ही है विराट। इसके बाद उसका दुगना हो जाता है लक्ष्य। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि इसके बाद आरोही पूछती है दीप से कि उसकी भाभी और निकू कहाँ हैं तो बताता है कि उसने आरोही की भाभी और निकू को खाई से फेंक दिया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई और ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं आपने इसके बाद देखा कि वो फैसला करती है कि वो दीप को भी इस खाई से धक्का दे देगी लेकिन वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद वो कुछ और प्लान बनाती है करने का। जहाँ इसके बाद आपने ये भी देखा कि दीप और विराट के बीच एक गेम होती है तारा की यादों को लेकर जहाँ तारा और दीप याद करते हैं अपने पुराने पलों को। उसके बाद अब आपको ये बता दें कि शो में आगे क्या कुछ होने वाला है खास। तो अब आपको बता दें कि दरअसल विराट और दीप के पास नहीं बल्कि पृथ्वी और रोमा ने छुपा रखा है आरोही की भाभी और निकू को। जी हाँ, और वो कहाँ है और कैसी हालत में है ये हम आपको बताएंगे जल्दी। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. For more details, subscribe our channel
and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. एक ऐसा शो जो यूं तो अभी कुछ समय पहले ही आया है दर्शकों के बीच, लेकिन उसने अपना जादू इस कदर कर दिया है कि दर्शकों के दिलों पर अभी से ही खुद की जगह बना ली है उसने। और शो का ट्रैक कैसे चल रहा है सब आप देख ही रहे हैं। वहीं दीप बताता है कि उसने आरोही की भाभी निकू को खाई में नीचे फेंक दिया था, जहाँ उनकी मौत हो चुकी थी। जहाँ ये जानते ही आरोही के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद दीप और विराट आरोही के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जहाँ विराट बोलता है कि उसे लगता है कि तारा बिल्कुल बदल गई है। वहीं अगली सुबह आरोही कहीं नहीं मिल रही होती, जहां दीप और विराट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और साथ ही हुआ ये कि आरोही खाई के पास जाकर दीप को बदला लेने के लिए मन बना रही होती है, जिसके बाद विराट बोलता है कि दीप के साथ वो एक गेम खेलना चाहता है, इसमें ये मालूम पड़ जाएगा कि तारा कितनी बदल चुकी है। इसके बाद दोनों तारा से सवाल पूछते हैं कि करके, और आरोही याद करती है दीप के साथ उन गुजारे पलों को मनाली में। वहीं वो आपको बता देते हैं आपने जो भी हमारे हेडलाइन में पढ़ा उसके बारे में। जी हाँ, जिसके बाद कहानी एक अलग ही मोड़ लेती नजर आएगी आप सबको और कहानी में फिर से और राज खुलते नजर आएंगे। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. इश्क में मर जावा एक ऐसी कहानी जहां इश्क तो कहीं नहीं देखने को मिलता, बस देखने को मिलता है तो वो होता है इंतकाम। जी हां, अब शो के कल के एपिसोड को देख लीजिए, कैसे एक बार फिर से आरोही पहुंच गई है मनाली, जहां वो लेने आई है दीप और विराट से बदला। लेकिन आरोही के सामने कुछ ऐसे खुलासे हो जाते हैं जिसे देखकर आरोही टूट जाती है। तो वहीं आपने शो में भी देखा कि कैसे विराट दोनों के साथ मिलकर खेलता है मौत का खेल और तीनों अपनी अपनी सच्चाई बताते हुए नजर आते हैं। और अब आपको बता दे कि शो के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि जल्द ही उठने वाला है दीप की माँ के राज से पर्दा। जी हाँ, एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो शो में जल्द ही सबको पता चलने वाला है कि आखिर क्या कुछ हुआ था दीप की माँ के साथ। और वो औरत और कोई नहीं बल्कि दीप की माँ है जो सबको डरा रही है, जिसके बाद अब शो में देखना होने वाला है काफी मजेदार कि आखिर कब दीप के सामने आना है वाला है उसकी माँ का सच, और क्या दीप आने वाला है वापस से अपने पुराने वाले घर में और साथ ही साथ लेगा अपने माँ का बदला। ये सब जानने के लिए बनने वाले साथ फिलहाल का शुरू बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट इश्क में मर जाओ से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. इश्क में मर जावा जहाँ दिखाई जा रही है मनाली की कहानी, लेकिन आपको हम बता दें कि मनाली में ही होने वाला है आरोही के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा। लेकिन वो क्या, ये पूरी खबर बताने से पहले आपको शो के पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं, जहाँ दिखाया गया कि दीप सबको बता देता है कि उसने मार दिया है भाई भाभी और निकू को, जिसे सुनकर आरोही टूट जाती है। तो वहीं फिर तीनों मिलकर खेलते हैं मौत का खेल, जहाँ तीनों लोग अपने अपने सच को बताते हुए नजर आते हैं। और अब आपको बता दें कि शो में होगा जल्द ही खुलासा कि आरोही की भाभी और निकू नहीं मरे हैं और दीप सबसे झूठ बोल रहा है। जी हाँ, एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो शो में होगा चौंका देने वाला खुलासा, जिसमें आरोही को ये पता चल जाएगा कि अभी तक भाभी और निकू जिंदा है और साथ ही साथ वो दीप के कैद में है, जिसके बाद अब शो में देखना होने वाला है काफी मजेदार आखिर कैसे आने वाला है आरोही के सामने पूरा सच, और क्या इस बार दीप भी देने वाला है विराट को धोखा। ये सब जानने के बनने वाले साथ फिलहाल मशरूम बसता है, और अपने फेवरेट इश्क में मर जाओ से लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.
बीते दिनों जो कुछ भी हुआ है कलर्स के शो इश्क में मर जावा में वो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। जहाँ रोहिया पूरी तरह से बदल चुकी है और वो अपना बदला पूरा करने के लिए आई है दीप और तारा से। वहीं अभी तक जो कुछ भी आपने शो में देखा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जहाँ मनाली में चल रहा है खूब सारा ड्रामा और इसी बीच आरोही को दीप बता देता है कि उसने उसकी भाभी और निकू को खाई से नीचे फेंक दिया था और उसकी मौत हो चुकी है। जहाँ ये जानते ही उसके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद दीप और विराट आरोही के लेकर ही बात कर रहे होते हैं कि इसमें विराट को आरोही पर शक होने लग जाता है। वहीं अगली सुबह आरोही कहीं मिलने नहीं होती तो दीप और विराट काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और साथ ही हुआ ये कि आरोही खाई के पास जाकर दीप से बदला लेने का मन बना रही होती है। इसके बाद विराट बोलता है दीप के साथ एक गेम खेलने को, जिसमें ये मालूम पड़ जाएगा कि तारा कितनी बदल गई है। जिसके बाद वो दोनों तारा से सवाल पूछते हैं और आरोही याद करती है दीप के साथ उन पलों को जब दीप ने उसे फंसाया था अपने जाल में। वो ये बाप को आगे की जानकारी देते तो जहाँ खड़ा होगा दीप खाई के पास तो आरोही जाएगी पीछे से और वो उसे बोलेगा कि अगर वो उसको मारना चाहती है तो मार डाले। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज सर्वे की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज।